इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर सन 1805 में 10,000 पेंडारियों ने एलिसपुर शहर लूटा। सन 1866 में हिंदू हाईस्कूल बलगांव रोड इसकी स्थापना की गई। उस समय इसके हेडमास्टर थे एट किंग। सन 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रभात टॉकीज अमरावती में सभा आयोजित हुई। सन 1930 में काउंसिल चुनाव में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विजयी हुए। सन 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक खेल शुरू हुए। सन 1492 में कोलंबस भारत की खोज में निकला। यह दिन बतौर कोलंबस डे मनाया जाता है। सन 1880 में क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के इन्होंने एडन की जेल से भागने का प्रयास किया। सन 1961 में रूस के प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने राष्ट्र संघ की महासभा में जूते से मेज थपथपाई। सन 2000 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव व गृह मंत्री बूटा सिंह ये रिश्वत कांड में लिप्त ऐसा आरोप लगाया गया। सन 1576 में राणा प्रताप की टोहले ने अकबर मेवाड़ को रवाना हुआ। सन 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनका निधन हुआ। सन 1921 में केसरी के संपादक जयंत श्रीधर तिलक इनका जन्म हुआ। सन 1948 में ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा बेदी इनका जन्म हुआ। सन 1942 में विश्व युद्ध द्वितीय पश्चात नाजी पार्टी भंग कर दी गई। सन 1931 में सावकार पेंट के ये अमरावती के घर में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अमरावती शहर में बहुत बड़ी सावकारी थी। सन 1940 में माजी गृह मंत्री सर मोरोपन जोशी इनके जन्म जयंती का कार्यक्रम कॉटन मार्केट में आयोजित किया गया। सन 1954 में करवी पीठ के शंकराचार्य इनका अमरावती में आगमन हुआ। सन 1961 में कवि भरत व्यास इनका अमरावती के शिवाजी कॉलेज में आगमन हुआ। सन 1968 में कवि सम्मेलन वीएमवी में आयोजित हुआ, जिसमें बाल कवि बैरागी, चंद्रसेन विराट, रमाई काका, भारत भूषण, राम रिख मनोहर ये कवि पधारे। सन 1961 में शिवाजी कॉलेज अमरावती में कवि भरत व्यास इनका आगमन हुआ, साथ ही राम रिख मनोहर भी हाजिर थे। सन 1968 में बाल कवि बैरागी